मैं आपको एक एंटी ग्रेविटी स्पेसशिप का डेमो देने जा रहा हूँ। अगर ह्यूमंस कभी एंटी ग्रेविटी को खोज पाते हैं तो वो ऐसे शिप बना पाएंगे जिस पर ग्रेविटी का असर ना हो। ऐसी शिप हाइपोथेटिकली ब्लैक होल के थ्रू भी ट्रैवल कर सकती है। मान लीजिए ये एक नॉर्मल स्पेसशिप है, अर्थ की ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचती है, इसलिए हमें फ्यूल की जरूरत पड़ती है। ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने में एफर्ट लगता है। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में रिपल्शन पॉसिबल है, लेकिन ग्रेविटी का रिपल्सिव फोर्स अभी तक ह्यूमंस ने फाइंड नहीं किया है। लेकिन हम हाइपोथेसिस लेने जा रहे हैं कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ये स्पेसशिप अब ग्रेविटी को रिपेल कर पा रही है। ये एंटी ग्रेविटी स्पेसशिप बन चुकी है, यानी इस पे ग्रेविटी का कोई असर नहीं हो रहा है। से इसका एंटी ग्रेविटी फीचर हम टर्न ऑन करेंगे, ये 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अर्थ से दूर भागने लग जाएगी, अभी बिना किसी फ्यूल को यूज किए। मैं आपको बता चुका हूँ कि एंटी ग्रेविटी को यूज करके लेविटेशन टेक्नोलॉजी कैसे क्रिएट की जा सकती है और स्पेस और टाइम ट्रेवल कैसे किया जा सकता है। अगर ह्यूमंस ग्रेविटी का रिपल्सिव फोर्स नहीं भी खोज पाते हैं तो भी ऐसी टेक्नोलॉजी पॉसिबल है जिससे हम एंटी ग्रेविटी को सिमुलेट कर सकते हैं। एरिया 51 के कुछ लीक्ड डॉक्यूमेंट से हमें पता चलता है कि US ऐसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी काम कर रहा है। करंटली ह्यूमंस के पास सिर्फ थ्रस्ट बेस्ड लेविटेशन की टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस खास टेक्नोलॉजी में प्लाज्मा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज करके लेविटेशन को ऑब्टेन किया जाता है। अगर प्लाज्मा को चार्ज करके बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी से एक खास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेटअप में रोटेट किया जाए तो सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस मिलकर एक खास तरह के लेविटेशन को जनरेट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एरिया 51 में ऑलरेडी ऐसी स्पेसशिप पे काम चल रहा है, लेकिन ये टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है। कुछ सोर्सेज के हिसाब से ये टेक्नोलॉजी US के एरिया 51 से लीक हो गई। कुछ ही सालों बाद 2015 में US की नेबरिंग कंट्री ब्राज़ील के दो साइंटिस्ट ने हाई वोल्टेज प्लाज्मा रोटेशन को यूज़ करके सक्सेसफुली लेविटेशन को रिक्रिएट किया। इस टेक्नोलॉजी को डॉक्यूमेंट किया गया और पेटेंट भी किया गया। फॉर्चुनेटली ब्राज़ील के एक ट्रस्टेड रिसर्च वर्क शेयरिंग प्लेटफॉर्म पे मुझे इनके रिसर्च वर्क का पूरा एब्स्ट्रैक्ट और रिसर्च पेपर्स मिल ही गए। ये रिसर्च वर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पाउलो ब्राज़ील को बिलोंग करता है। इस रिसर्च वर्क में ये साइंटिस्ट हाई वोल्टेज और प्लाज्मा को यूज़ करके लेविटेशन को, यानी हवा में उठने की टेक्निक को सक्सेसफुली ऑब्टेन कर पाए हैं। इसे पूरी तरीके से साइंटिफिकली और मैथमेटिकली प्रूव भी किया गया है। पूरा का पूरा साइंटिफिक एनालिसिस और मैथमेटिकल डेरिवेशन आपके सामने स्क्रीन पे है। और इस साइंटिफिक रिसर्च के कंक्लूजन में साफ साफ लिखा है कि ऑल ऑफ देम वेयर ऑब्जर्व्ड टू लेविटेट। इस लेविटेशन की टेक्नोलॉजी से आप एंटी ग्रेविटी को सिमुलेट कर पाते हैं और ग्रेविटेशनल पुल को मैनिपुलेट भी कर पाते हैं। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी पूरी तरह डेवलप हो जाती है तो ये हमारे सोचने के ढंग को ही बदल डालेगी। और आज की फ्लाइंग टेक्नोलॉजी हमें इस नई टेक्नोलॉजी के आगे स्टोन एज की लगने लगेगी। अगर आपको भी ऐसा साइंटिफिक एनालिसिस पसंद है तो मुझसे ज़रूर जुड़ें, मेरे चैनल को फॉलो करें और मेरी बाकी वीडियो ज़रूर देखें। हम ऐसा बहुत सारा एक्सप्लोरेशन करते आए हैं और करते रहेंगे। मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें ताकि मुझे सपोर्ट मिले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।